क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा था, लूप एनालिसिस कर रहे थे अपन, उसी में एक और सेकंड वीडियो है, ये देख लेते हैं। इसमें सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है सर्किट, बैटरी है, फिर यहाँ पर एक 100 ओम का रजिस्टर है, फिर एक 100 ओम का रजिस्टर है, सारे रजिस्टर को क्वेश्चन और 100 ओम दे दिया है, यहाँ भी एक 100 ओम का दिख रहा है, फिर क्वेश्चन वाला यहाँ पर भी एक 100 ओम का रजिस्टर दे दिया है, ये वाले को 500 ओम दिया है क्वेश्चन वाला, इस पॉइंट से जुड़ा है। उसके बाद फिर इस पॉइंट से एक रजिस्टर उन्होंने ऐसा मेंशन किया, ये दोनों डिसकनेक्टेड है, वायर फोल्डेड दिख रहा है, मतलब बोथ आर इंसुलेटेड। ये 500 ओम है, ये 100 ओम का ऊपर वाला, ठीक, और बाकी ये भी 500 है, रिमेनिंग जो है वो 100 ओम का ही रजिस्टर है, ये भी 100 ओम का है, ठीक। एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स है, ये भी 100 वोल्ट का है, ठीक है। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि डिटरमाइन दी करंट सप्लाइड बाय बैटरी, ठीक है। बैटरी कंप्लीट सर्किट को देखने से पता चल जा रहा है, इस कंप्लीट सर्किट में सिर्फ और सिर्फ एक ही बैटरी दिया है, तो आपको कंफ्यूज होने का प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 100 वोल्ट का बैटरी दिया है, क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि इस 100 वोल्ट की बैटरी है, उससे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू निकालो। आप इसको मेश एनालिसिस यूज़ करो, चाहे लूप एनालिसिस यूज़ करो, चाहे कोई भी मेथड यूज़ करो, किसी भी थ्योरम का यूज़ करो, फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू उसमें सेम आएंगे, ठीक है। तो चलो मैं इसको लूप एनालिसिस से करता हूँ। तो सबसे पहले हर एक जंक्शन है उसको मेंशन कर देता हूँ, ताकि मुझे लूप का नाम लिखते बने। इसको ए दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ, इसको डी दे देता हूँ, और इस साइड को ई दे देता हूँ। चलो ये बैटरी के जगह को ई दे देता हूँ, ताकि मुझे अगर ऐसा केवीएल लगाना पड़े तो पता चल जाए कि ये ई से भी होकर जा रहा है, ठीक है। ठीक, तो मैंने हर एक नोड, सपोज यहाँ पर फिलहाल यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ पे फ्लो होने वाले करंट को अपने तरफ से ये वाला करंट ऐसे आएगा बैटरी से, बैटरी के पॉजिटिव से करंट ए पॉइंट पे आएंगे, दो रास्ता मिलेगा, एक 100 ओम की तरफ जाएगा एक करंट, और एक करंट है वो 500 ओम की ओर जाएगा ऐसा। तो यहाँ पर दो रास्ता मिल रहा है ए नोट पर, तो सपोज इस वाले करंट को मैं एक्स प्लस वाई मान लेता हूँ, तो ये इस 100 ओम से होकर फ्लो होने वाले करंट को एक्स दे देता हूँ, ये 500 ओम से फ्लो होने वाले करंट को अपने तरफ से वाई दे दिया, तो ये एक्स प्लस वाई आया, इधर एक्स करेंट गया, इधर वाई करेंट गया, ठीक है। दो करंट है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्योंकि नोड पर या तो करंट का एडिशन होता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब ये एक से जो करंट है वो इस बी नोड पे आया है, बी नोड पे फिर से दो रास्ता मिल रहा है, तो यहाँ पर कुछ अमाउंट का करंट फ्लो होगा, सपोज इस 100 ओम पे फ्लो होने वाले करेंट को मैं जेड मान लिया, तो एक्स आया, एक्स में से जेड करेंट 100 ओम की ओर ड्रॉ हो गया, तो एक रास्ता और है, इधर भी करेंट फ्लो होगा, तो इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जेड हो जाएंगे, एक मतलब एक्स अमाउंट में करंट में जेड अमाउंट का जो करंट है वो इस 100 ओम की तरह ड्रॉ हो गया, तो इस डायगोनली कनेक्टेड 500 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करंट एक्स माइनस जेड होंगे। अब यहाँ से जेड करंट आ रहा है और ये वाला करंट वाई करंट है, जेड आ रहा है, वाई आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाई इस साइड जाने वाला करंट क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड होंगे,
दोनों का एडिशन है, समेशन है, वो टोटल रिजल्टेंट करेंट के फॉर्म में सी नोड से आउटगोइंग होगा। अब इस सी नोड से डी नोड में आएगा, ठीक है। तो डी नोड पर आने वाला करेंट तो दिख रही है एक्स माइनस जेड करेंट, और ये वाला करेंट क्या है, वाई प्लस जेड है। तो इनकमिंग करेंट है वो आउटगोइंग करेंट के सम का इक्वल, तो एक्स माइनस जेड प्लस वाई प्लस जेड, जेड और जेड कैंसिल होगा, टोटल रिजल्टेंट करेंट क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्स प्लस वाई। और यही एक्स प्लस वाई करेंट 100 ओम के बैटरी से फ्लो हो रहा है। क्वेश्चन वाले ने इसी एक्स प्लस वाई की वैल्यू को ही पूछा है, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत सारे क्लोज पाथ बन रहे हैं, आप जिस क्लोज पाथ पे चाहो आप क्या कर सकते हो, आप केवीएल लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए तो क्लोज पाथ आपका बिल्कुल 3-4 बन ही जा रहा है। कैसे, एक आप देखोगे तो ये वाला ऐसे बनेगा, एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ऐसे करके ऐसे बना सकते हो, एक ऐसे करके ऐसे बना, बहुत सारा है। तो कम से कम आप 2-3 आप क्या लिख डालो ताकि तीनों के बीच रिलेशन मिल जाए, ठीक है। 3 वेरिएबल का है तो एटलीस्ट 3 इक्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि 3 वेरिएबल का 2 इक्वेशन को सॉल्व करना मैथमेटिक्स में पॉसिबल नहीं, 0-0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल दिख रहे हैं मुझे, टोटल एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है और जेड। तो 3 वेरिएबल के लिए एटलीस्ट 3 क्लोज पाथ को कंसिडर करके 3 इक्वेशन निकालना पड़ेगा। आप दो ही इक्वेशन को दो जगह पे लगा के सॉल्व नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखना। तो कोई भी 3 क्लोज पाथ को चूज करो और तीनों के लिए इंडिविजुअल केवीएल लगाकर एक एक इक्वेशन निकाल डालो। तो चलो मैं इस ए बी सी ए वाले क्लोज पाथ, यहाँ ए से स्टार्ट किया, फिर बी, फिर सी, फिर ए, ठीक है। तो अप्लाई अप्लाई केवीएल केवीएल एट क्लोज सर्किट, ठीक है। क्लोज सर्किट कौन सा, क्लोज सर्किट ए बी सी फिर ए, मतलब इस ए से स्टार्ट करूँगा, बी में आऊँगा, बी से फिर सी में, सी से फिर ए में, इसी बस इतने बस को। अगेन यही बोलूँगा कि ये लूप एनालिसिस है, बोल सकते हो यहाँ पर इंडिविजुअल मेस पे फ्लो होने वाला करेंट ना दे करके इंडिविजुअल ब्रांचेस में फ्लो होने वाले करेंट को हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक ब्रांचेस पे फ्लो होने वाले करंट है, उस ब्रांच पे केवीएल उस क्लोज पाथ पे केवीएल लगाते समय इंडिविजुअल ब्रांचेस पर केवीएल का डायरेक्शन और एक्चुअल करंट के डायरेक्शन को हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं जैसा नाम लिखा हूँ यहाँ पर ए बी सी ए में क्लोज पाथ का नाम लिया हूँ, उसी टाइप ही सर्कुलेट होऊंगा केवीएल लगाते समय। मतलब ए से बी में जाऊंगा तो ए से बी में जाऊंगा तो ए से बी में जाते समय इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है उसको देखूंगा। मेरा डायरेक्शन तो ए से बी है, लेकिन ए से बी के बीच में एक्चुअल करंट का डायरेक्शन क्या है उसको देखूंगा। अगर मेरा केवीएल का डायरेक्शन और सर्किट के उस पर्टिकुलर ब्रांच में फ्लो होने वाले करेंट का डायरेक्शन अगर दोनों सेम रहा तो उसमें वोल्टेज का ड्रॉप क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो ए से बी में, तो ए से बी में फ्लो होने वाला करंट, ए से बी में जा रहा हूँ तो ए से बी में, और ये करंट का डायरेक्शन है ऐसा, दोनों सेम है, उसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, एक्स है। तो क्या हो जाएगा, रजिस्टर की रजिस्टेंस 100 है और उसकी करेंट की वैल्यू एक्स है, ठीक है। अब फिर क्या है, ए से बी, बी से कहाँ जाना है, सी, बी से सी में आ जाओ, इधर बी से सी में जा रहा हूँ तो करंट क्या हो रहा है, जेड, और करंट जेड भी बी से सी ही जा रहा है। तो मेरा केवीएल डायरेक्शन और एक्चुअल करंट फ्लोइंग डायरेक्शन दोनों सेम है, सेम होने से वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर ये माइनस, रजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 100 और फ्लो होने वाला करेंट क्या है, जेड। अब फिर सी से कहाँ जाना है, ए में, ये सी में आ गया, सी से कहाँ जाऊँगा, ए में जाऊँगा, ये फोल्डेड वाला वायर में ऐसे जाऊँगा, दोनों इंसुलेटेड है, दोनों वायर है, ठीक है। अब मैं सी से ए में जा रहा हूँ, सी से ए में जा रहा हूँ तो ये 500 ओम का रजिस्टर है, 500 ओम के रजिस्टर पर करेंट क्या फ्लो हो रहा है, वाई, वाई का डायरेक्शन क्या है, ए से सी, और मेरा केवीएल का डायरेक्शन क्या है, सी से ए, दोनों अपोजिट, अपोजिट होने से वोल्टेज डा पॉजिटिव,
रेजिस्टेंस का यूनिट वैल्यू 500 है, फ्लो होने वाला करंट क्या है वायर इक्वल टू जीरो। ये हो गया। इस पर्टिकुलर ए बी सी ए पर मैंने क्या लगा दिया, केवीएल लगा दिया, ठीक है। उस कंप्लीट क्लोज लूप पर अप्लाइड वोल्टेज प्लस एलिमेंट पर वोल्टेज ड्रॉप का सम क्या कर दिया, जीरो कर दिया, हर एक एलिमेंट कवर कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100x माइनस 100z प्लस 500y इक्वल टू जीरो। फिर से इसको अच्छा लिख दूंगा तो 100x प्लस 500y माइनस 100z इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको अगर मैं चाहता हूँ तो 100 से अगर डिवाइड कर दूंगा छोटा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 100 का डिवीज़न है, माइनस 100 से डिवाइड कर देते हैं। चलो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय माइनस 100 देन इट विल बी एक्स, एक बचेगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस से डिवाइड करूँगा तो माइनस 5y, ये क्या बचेगा प्लस आपका 5z बचेगा इक्वल टू जीरो, ठीक है, माइनस से डिवाइड इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये बन गया उस पर्टिकुलर क्लोज लूप पाथ पे फ्लो होने वाला करंट के कारण इंडिविजुअल एलिमेंट पर जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके समेशन जीरो कर दिया, ये बन गया, ठीक। अब देखो और कोई एक और क्लोज लूप, तीन वेरिएबल दिख रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हो, तीन अननोन पैरामीटर एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड है, तीन अननोन पैरामीटर है, तो आपको तीन इक्वेशन निकालना ही पड़ेगा। तीन और मेस ले लेते हैं, चलो अब एक और मेस लेते हैं अपन, बी सी डी फिर बी, ये ले लेते हैं। बी से स्टार्ट करूँगा, सी में आऊँगा, सी से डी में आऊँगा, डी से फिर वापस बी, तो ये क्लोज पाथ बन रहा है कंप्लीट। एक यहाँ केवीएल लगा लेता हूँ, अप्लाई केवीएल एट क्लोज पाथ, क्लोज सर्किट, कौन सा क्लोज सर्किट पे चलूँगा मैं, आपका बी फिर आपका सी फिर डी फिर वापस बी, बी सी, बी से सी में चलूँगा, सी से डी में जाऊँगा, डी से वापस बी पॉइंट। तो इस पर्टिकुलर क्लोज पाथ पे जो भी एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट के वोल्टेज ड्रॉप का सम क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, उसको कर लेंगे जीरो। अब चलो कर लेते हैं बी से सी, अगर करेंट के डायरेक्शन मैं बी से शुरू कर रहा हूँ केवीएल, बी से सी में जाऊँगा, तो बी से सी में जाऊँगा तो बी से सी के बीच करेंट देखता हूँ, करेंट भी बी से सी ही चल रहा है, वैल्यू क्या है जेड है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में होने के कारण पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा निगेटिव होगा, 100 इंटू फ्लो होने वाला करंट क्या है जेड। फिर बी से सी के बाद सी से डी चलते हैं, सी से डी, तो सी से डी में फ्लो होने वाला करंट क्या है वाई प्लस जेड है, और ये वाई प्लस जेड भी सी से डी ही जा रहा है जैसा मैं चल रहा हूँ केवीएल के लिए, तो केवीएल का डायरेक्शन और यहाँ पर करेंट का डायरेक्शन यहाँ पर भी क्या है सेम, इस कारण यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा निगेटिव। तो ये होगा 100 माइनस 100 और फ्लो होने वाला करंट क्या है वाई प्लस जेड है। फिर उसके बाद डी से कहाँ जाना है, बी में जाना है, ऐसा क्लोज पाथ बन रहा है, इसी में केवीएल लगा रहे, तो डी से बी में चलूँगा तो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है एक्स माइनस जेड है, और ये जो करंट है वो बी से किधर आ रहा है डी की ओर आ रहा है, और मैं केवीएल के लिए किधर जा रहा हूँ डी से बी की ओर, तो दोनों अपोजिट, अपोजिट होने से वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा पॉजिटिव, तो वो 500 और फ्लो होने वाला करंट इसमें क्या है एक्स माइनस जेड और इक्वल टू जीरो, हर एक एलिमेंट को कवर कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 100z, ठीक है, 100z, और ये माइनस 100y, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस 100z प्लस 500x, और ये हो जाएगा माइनस 500z इक्वल टू जीरो, प्लस माइनस देख लेंगे, एक्स एक्स देख लो, एक्स अकेला है 500x है, वाई देखो यहाँ पर वाई भी अकेला है
ये हो जाएगा माइनस 100 वाई। फिर उसके बाद जेड देखो तो ये 1, 2 और ये 3, 5, 1, 6, 1, 7, 7 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ए हो गया 100, अब जेड देखे 1, 200 और ये 700 हो जाएगा, सेम साइन है जुड़ जाएगा, माइनस 700, जेड इक्वल टू 0। फिर से यहाँ पर 100 से डिवाइड करूँगा तो ये 5x होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये y हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका 7z इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 होगा। इसको भी फिर से मैं 100 से डिवाइड कर दिया ताकि इक्वेशन छोटा बन जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 हो गया, 3 वेरिएबल का है तो कम से कम 3 इक्वेशन निकालना है, कोई भी 3 क्लोज पाथ को आपको लेना है, ठीक है, किसी भी 3 क्लोज पाथ को। अब ये ए बी सी ए हो गया, फिर बी सी डी बी हो गया। अब हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं ए, फिर उसके बाद बी, फिर ले लेता हूँ मैं डी, फिर उसके बाद फिर ई, फिर वापस ए। इस वाले को देखना मेरा हाथ पेन का डायरेक्शन, यहाँ से ए, फिर ये बी, फिर उसके बाद ये वाला डी, डी के बाद फिर ई, फिर ये वाला ऐसा वाला, इस वाले लूप को आप चाहते तो ऐसा भी ले सकते हैं, इसको ऐसा तो भी सेम आएगा, आप ऐसा भी लिख सकते हो ये वाला आउटर वाले को, ठीक है। तो कोई भी 3 लूप को लेना है, 3 वेरिएबल का है तो कोई भी 3 लेना है ताकि तीनों के बीच रिलेशनशिप बन जाए और आपको मिल जाए मिल, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ अप्लाई KVL, ठीक है, एट ए बी, फिर इसके बाद डी में गया, फिर ई पॉइंट में गया, फिर वापस फिर से ए में गया, ठीक है। तो ये है, अगर बैटरी के जिस प्लेट से आप निकलोगे उसका साइन यूज करना है। चलो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, एक बार हिंट कर देता हूँ मैं, जैसा लिखा हूँ उसी डायरेक्शन में चलूँगा। ए से शुरुआत कर रहा हूँ ना, तो ए से बी में जाऊँगा, तो ए से बी जा रहा हूँ, तो ए से बी में करंट किधर जा रहा है, ए से बी ही जा रहा है, उसकी वैल्यू क्या है एक्स, तो ए से बी के बीच मैं करंट के डायरेक्शन में चल रहा हूँ, इस कारण वोल्टेज ड्रॉप क्या है माइनस होगा, तो माइनस 100x हो जाएगा, ये माइनस सेम डायरेक्शन के कारण माइनस फ्लो होने वाला करेंट एक्स है, ए से बी के बीच हो गया। फिर उसके बाद बी से डी के बीच आ जाओ, बी से किधर जाना है डी के बीच, तो बी से डी के बीच फ्लो होने वाला करेंट क्या है, बी से डी के बीच फ्लो होने वाला करेंट सेम डायरेक्शन एक्स माइनस जेड, तो ये भी क्या होगा बी से डी के बीच भी क्या होंगे निगेटिव, तो माइनस रेजिस्टेंस का वैल्यू 500 और करंट एक्स माइनस जेड हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर क्या है, डी से ई, डी से ई मतलब ये वाला पॉइंट, बैटरी के कहाँ से निकला मैं प्लस से, तो बैटरी के जिस प्लेट से निकलोगे उसका साइन यूज करना है, प्लस 100, ठीक है। उसके बाद फिर ई से, ई से ए, ई से ए तक, ए से स्टार्ट किया था ए में जाके बंद होगा, तो ई से ए में करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, मेरा केवीएल का डायरेक्शन भी लेफ्ट टू राइट, दोनों सेम, सेम होने के वजह से वोल्टेज ड्रॉप निगेटिव, फ्लो होने वाला करंट क्या है एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा माइनस 100 और फ्लो होने वाला करेंट क्या है एक्स प्लस वाई और इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये होगा ऐसा, ठीक, तो ये हो जाएगा, सॉल्व कर लो, माइनस 100x माइनस ये हो जाएगा 500x माइनस माइनस का प्लस 500z प्लस 100 माइनस 100x माइनस 100y इक्वल टू 0। अब x देखते हैं, ये 100, 500, 600 और ये 700, ठीक है,
तो माइनस सेम साइन है, जूल जाएगा, -700x। वाई देखते हैं, एक अकेला वाई है तो ये हो जाएगा -100y। जेड देखते हैं, जेड कितना है, एक जगह पर जेड है तो ये +500z, और कांस्टेंट क्या है, +100=0। कांस्टेंट को उस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 700x -100y +500z = -100। 100 से डिवाइड कर लेते हैं माइनस के साथ, -100 से 7x हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा, वाई होगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, 5z हो जाएंगे और +1 हो जाएगा। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे, और इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से 3 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों को कैलकुलेटर में पुट कर देना, तीन वेरिएबल का है। अब इसमें तो बहुत सारे क्लोज पाथ बन रहे हैं, अगर लूप की बात करेंगे तो। मेश एनालिसिस के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तीन ही मेश बन रहे हैं, बट अगर लूप एनालिसिस के लिए बोलोगे तो यहाँ पर 5-6 लूप बन जाएगा। तो आपको सारे 5-6 लूप के लिए नहीं लगाना है, एटलीस्ट तीन वेरिएबल, तीन अननोन पैरामीटर है, और तीन अननोन पैरामीटर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए। तो आप 3 इक्वेशन ही, कोई भी 3 लूप को सेलेक्ट करना, और उसके लिए आप क्या कर देना, KVL लगा देना, ठीक है। तो 1, 2 और 3 को सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आएगा, पहले आएगा वो, दूसरा जो आएगा वो y का वैल्यू आएगा, और तीसरे बार जो आएगा वो z का वैल्यू। एक्चुअल में मैं इसका आंसर नहीं बता सकता क्योंकि ये अनसॉल्व प्रॉब्लम है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, बट मैं 3 इक्वेशन आपको निकाल के बता दिया। तो आप ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक्स वाई और जेड का वैल्यू मिल जाएगा। क्वेश्चन वाले ने इसमें बोला था कि उस बैटरी से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू बताओ करके, मतलब इससे ये बैटरी से फ्लो होना, एक सिंगल बैटरी है, इस बैटरी से फ्लो होने वाला करंट को मैं क्या माना हूँ, एक्स प्लस वाई माना हूँ। तो अगर मुझे एक्स मिल जाए, वाई मिल गया, तो बैटरी से फ्लो होने वाला करंट एक्स प्लस वाई भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और यही इसका क्या है, आंसर। तो इसकी आंसर को चेक आप लोग सभी अपने फ्रेंड सर्कल में कर लेना, कैलकुलेटर से तीनों इक्वेशन की कोफिशेंट को पुट कर देना और सॉल्व कर लेना। तो ये रहा लूप एनालिसिस है, ये लार्जेस्ट क्लोज पाथ को ही लूप बोलते हैं, ठीक है। तो एक नया तरीका है जिसमें आपका हर इंडिविजुअल ब्रांच पे फ्लो होने वाले करेंट को मैंने एजम्पशन करके लूप पे केवीएल लगाया है, मेस पे नहीं लगाया है। मेस में, इंडिविजुअल मेस में एक एक करेंट को ही मान लेते हैं, लूप में एक करेंट ना मान करके इंडिविजुअल ब्रांच पे फ्लो होने वाला करेंट मानते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर क्वेश्चन वाला हर एक ब्रांच पे एक्स वाई करके इस करेंट को दे, ऐसा जैसा मैं बताया हूँ, नहीं, आपको सोचना रहेगा कोई एक पॉइंट को उठाना, जैसे कि मैंने यहाँ से उठाया कि ये एक नोड है ए माना, ए पे दो रास्ता मिल रहे, तो यहीं पर मैंने सोचा कि दो रास्ता मिल रहे तो यहाँ पर ऐसा कोई वैल्यू लूँ जो दो का समेशन हो, मतलब दो वेरिएबल रहे। तो मैंने एक को एक्स मान लिया, दूसरे को वाई, तो मैंने इस करेंट को एक्स प्लस वाई मान लिया यहाँ पर आते हुए। अब यहाँ पर दो रास्ता दिख रहे, तो एक को एक्स को इधर जाते हुए मान लिया, वाई को इधर जाते हुए मान लिया। अब चाहते हैं तो ये वाले को वाई मान सकते हैं, इसको एक्स, कोई दिक्कत नहीं, बस मानना बस है उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद मैंने इस पॉइंट पर आया तो इधर जाते हुए करंट एक फिर रास्ता दो मिला, तो हमारा क्या है, फिर इसको मैंने जेड मान लिया। तो इसको जब जेड मान लिया तो जेड कम करोगे उतने अमाउंट का करंट इधर आएगा, ऐसा मत कर देना इसको जेड मान लिया तो इसको पी मान लेता हूँ, ऐसा नहीं। अननोन पैरामीटर्स की वैल्यू को बढ़ाते नहीं जाना है, एस पॉसिबल लेस अननोन कम ही रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें पी, इसको क्यू मान लिया, इसको आर, एस, टी, ऐसा 5-6 वेरिएबल मान लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, एस पॉसिबल लेस कम ही मान लो। इस कारण यहाँ पर वाई गया इधर एक्स, फिर ये वाई इधर आएगा जेड, तीन ही चीज़ है, 3 वेरिएबल से ही मैंने पूरे पूरे इक्वेशन निकाल डाला, ठीक है। तो
हर एक पे अलग अलग मत सोचना, थोड़ा दिमाग बस लगाना है, ब्रांच बाकी इजी है। ठीक है, तो कल के डेट में और 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे इस टाइप का, अननोन अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। आज आप लोग के लिए एक मैं असाइनमेंट क्वेश्चन दे देता हूँ, उस असाइनमेंट क्वेश्चन को मैं करेंट के डायरेक्शन को शो कर दिया रहूँगा, उसको बना के एक बार देख। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर हो गया होगा तो वीडियो एक बार लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस डाल दो, शेयर कर दो। थैंक यू।